हाँ जी बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट विद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम योर बुक। बेटा यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 13 वेट। हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मेरे पास जो है जितनी भी हम बात करेंगे ना, जितने भी सॉलिड बॉडीज की बात करेंगे वो कंबाइंड बॉडीज की बात करेंगे। ओके, कंबाइंड बॉडीज में यहाँ पर मतलब मेरे पास 100% एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हमने सफेयर रख दिया। ओके, हमारे पास एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड के ऊपर हमने हेमिस्फेयर रख दिया, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, हमने जो है सारी इन्हीं चीजों की बात करनी है, इनके वॉल्यूम की, इनके सरफेस एरिया। बस एक चीज आपने अपने माइंड में करनी है, क्योंकि वैसे आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम 9th क्लास में सारी जो है टॉपिक का किया हुआ है, सारों का किया हुआ है, बट यहाँ कंबाइंड बॉडीज की बात हो रही है। ओके, यहाँ कंबाइंड बॉडी की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है मेरे पास जो है कंबाइंड की बात करेंगे तो हमने क्या क्या देखना है। देख बेटा, सबसे बड़ी बात मान लीजिए कि मेरे पास, मैं बात कर रही हूँ वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब मैंने उसमें कुछ डालना है, अंदर की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे बात करूं, मेरे पास ये दो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, अब मैंने इसमें डालूंगी तो वॉल्यूम हमारा ऐड होता है। 99% क्वेश्चन में जो वॉल्यूम ऐड होता है, सबट्रैक्ट तब होगा जब किसी के अंदर कोई चीज अंदर, अगर ये सिलेंडर के अंदर मैं सिलेंडर डाल देती तो माइट बी वॉल्यूम। दूसरी बात, हम कभी भी किसी चीज, मान लो ये खाली था, हॉलो था, मैंने इसके अंदर कुछ डाला, ठीक है, पानी से भरा हुआ था ये, मैंने इसमें बॉल्स डाली छोटी छोटी छोटी, पानी बाहर आएगा। अब वो कितना पानी बाहर आएगा, जितनी अंदर चीज गई, जितना वॉल्यूम अंदर ऐड हुआ उतना बाहर को पुल्ड आउट हो जाएगा ना। क्लियर, बात समझ आई मेरी? तो वॉल्यूम हमेशा ऐड होता है। जब मैं बात करती हूँ सरफेस एरिया की, जब मैंने एक सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर, ये जो इसका बेस है इसके साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया। अब मैंने ये रिक्वायर्ड सिलेंडर का सरफेस एरिया देखना है, तो ऑब्वियस है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अपर सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर, और नीचे और ऊपर वाला बेस, ये मर्ज हो गया ना, तो ये खत्म हो गया, उसको नहीं काउंट करती। बस ये कॉन्सेप्ट आपने पूरे चैप्टर में, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज का मतलब है इन्हीं की बात सिर्फ हो रही, हमने सॉलिड्स को कंबाइन कर दिया, तो जब एरिया की बात होगी, जो चीज आपको विजिबल ही नहीं है, मर्ज हो गई, वो नहीं गई। बस अब डिपेंड करता है आपने माइनस कब करना है, प्लस कब करना है। अगर आपने लिया ही टोटल सरफेस एरिया, तो आप उसमें से बेस माइनस करोगे। अगर कोई बच्चा ले ही लेटरल सरफेस एरिया है, तो उसमें ऑब्वियस है अपर, और ये वाला क्या करोगे, एड करोगे। फॉर्मूला बनाना, ड्राइव करना आप पे डिपेंड करता है। ओके, क्लियर मेरी बात? अब मैं सबसे पहले जो है हम कर्व्ड सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें सारों के फॉर्मूलेस आने चाहिए। लेट मी रिकॉल ऑल द फॉर्मूलास ऑफ द सॉलिड शेप्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। चलिए, लेट अस राइट। सबसे पहले मेरे पास जो है क्यूब होता है, ओके, क्यूब का वॉल्यूम मेरे पास जो है दैट इज साइड क्यूब, और मेरे पास टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को हम सरफेस एरिया भी अकेला कह देते, ठीक है, दैट इज सिक्स साइड स्क्वायर। और बेटा फिर मेरे पास जो है यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह देते हैं, और दैट इज 4 into साइड स्क्वायर।
ओके नंबर फर्स्ट. नाउ कम टू सेकेंड क्यूबाइड. आपको पता है कि उसका कैसे है, एल इंटू इंटू एच. ओके तो मेरे पास जो है यहां पर क्या बनेगा, टू एल बी बी एच और एच एल, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट ये सारे आपने एट्थ में भी किए हैं, नाइन्थ में भी किए हैं, फिर भी मैं रिकॉल कर रही हूँ फॉर्मूलेस. ओके और कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें मतलब फोर वॉल्स का बन जाता है टू एच एल प्लस. ठीक है बेटा. फिर आपने किसकी बात की है, यू हैव सिलेंडर, ऐसी शेप होती वी कॉल्ड इट सिलेंडर, जैसे चौक की शेप होती है और इसका वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस एच इज द हाइट. और बेटा टोटल सरफेस एरिया मेरे पास में, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये साइड वाला भी और अपर भी और लोअर भी. ओके तो अब यहाँ पर मेरे पास जो है क्या करेंगे हम लोग, जब टोटल सरफेस एरिया लेंगे टू पाई आर आर प्लस. ओके बेटा तो मेरे पास यहाँ पर कर्व्ड, कर्व्ड मतलब ये वाला पोर्शन सिर्फ लेटरल, तो उसमें टू पाई आर एच. ओके बेटा जी क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है वी हैव टू टॉक अबाउट फोर्थ, मेरे पास जो है कोन. ओके जस्ट लाइक अ कैप क्लियर. तो मेरे पास जो है कोन का वॉल्यूम बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके और कर्व टोटल मतलब सॉरी लेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल में ये कर्व्ड भी और बेस भी. जो कर्व्ड होता है वो पाई आर एल होता है और बेस आपको पता है पाई आर स्क्वायर. ओके क्लियर. और यहां पर कर्व्ड पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट. और आपको पता है कि एल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. क्लियर. एनी डाउट टू एनी वन, एक्सेप्ट दैट आईफोन एक्स, बिकॉज अनलेस द चाइल्ड इज विदाउट नेम आई विल नॉट अलाउ हिम और हर टू आस्क मी द क्वेश्चन. ओके बेटा चलिए आगे. क्लियर. टेंथ डी, बाकी बच्चे लक्ष्य जिया सबको बात क्लियर है. चलिए गुड. चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड. अब हम करते हैं जैसे जैसे बाकी करते जाएंगे, सफेयर का भी कर लेते हैं. ओके सफेयर एंड हेमिस्फीयर, फिर एक ही बार हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है सबसे पहले सफेयर, जस्ट लाइक ए बॉल होती है मेरे पास. ठीक है बेटा. अब मेरे पास ये बॉल है तो यहाँ पर इसका हम रेडियस पता होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम. और इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड भी सेम ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता. ठीक है सफेयर के केस में, लेकिन हेमी सफेयर हाफ हो जाएगा ना बस. ये देखिए वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा जो सफेयर का, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा. पता कैसे, हाफ ये बाउंड्री और ऊपर एक सर्कल होता है ऊपर वाला. अगर आप देखो एप्पल को काटते हो हाफ, ऊपर भी तो सर्कल होता है, नीचे हेमी सफेयर ऊपर सर्कल, तो टोटल करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर. और मेरे पास तो है कर्व्ड दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. बस यही फॉर्मूलेज हैं, इन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चन जो है वो बनते. आप जैसे जैसे करोगे आपको क्लियर होता है. क्लियर बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर, यहाँ तक फॉर्मूलेज पता चल गए. मैंने सिर्फ एक रिकॉल आपको
फॉर्मूले का किया है, आप ऑलमोस्ट जो वो ये सारी जो है आपने की होते हैं फॉर्मूले, किसी को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर बेटा? ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चंस करोगे तो यू विल एंजॉय इट अ लॉट। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करने लगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा है टू क्यूब्स। दक्ष, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग ऑन द वीडियो। दक्ष, वेयर आर यू? हाँ जी बेटा, मेरे पास अब सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 13.1 का। व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, लेट अस सी। पहले रीड करते हैं फिर क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। उन्होंने कहा टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। मेरे पास जो है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, नाउ दे राइट हियर कि मेरे पास जो है सरफेस एरिया कैलकुलेट कीजिए जो भी मेरे पास रिजल्टेड जो है क्यूबॉइड बना। ऑब्वियस है, जब आप एक क्यूब मेरे पास जो है, ये एक क्यूब है, ये लीजिए मैंने ये एक क्यूब बनाया। ओके, इसी के आगे मैंने एक और क्यूब सेट किया, ये देखिए। लेट अस, ये देखिए ऐसा बन जाएगा। दोनों क्यूब्स के मैंने जो है अगर सेट किया, जिनका वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, मुझे वॉल्यूम दोनों का दिया कि 64 है, इसका मतलब इफ वॉल्यूम जो है ऑफ क्यूब दैट इज गिवन टू यू 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो बेटा मेरे पास जो है इसकी साइड कैलकुलेट होगी, साइड क्यूब दैट इज 64, तो बेटा साइड मेरे पास जो है क्यूब रूट ऑफ 64, तो दैट इज 4 सेंटीमीटर। ऑब्वियस, यानी 4 और ये 4 ऐसे। ओके, अब ये क्यूबॉइड बन गया। जस्ट इमेजिन कीजिए मेरे पास जो है ऐसे ये क्यूब है, ऐसा ही एक बॉक्स इधर रख जाए। अब खुद सोचो, लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ उतनी रहेगी, हाइट भी उतनी रहेगी ना मेरे पास, तो ऑब्वियस है मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, देयरफोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास सिर्फ लेंथ हुई 4+4 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर, और मेरे पास ब्रेथ जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर, और हाइट मेरे पास जो है वो 4 सेंटीमीटर। ओके, अब लेंथ ब्रेथ हाइट मेरे पास यहां पर आ गई। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई तो अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, जो मेरे पास सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 LB BH और HL। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, 2 LB 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। Now solve it, 2 32 + 16 + 32, so that comes out to be mere paas 10 1 6 7 8 160 cm². Okay beta, clear to everyone? The child with raised hand on the video, then I will listen what this child from 10C want to say anything. Okay? चले फिर हम बेटा नेक्स्ट पे। सबसे सबको बात क्लियर हो गई? चलिए, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास हो गए।
हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर टू में वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो मतलब खाली है, ठीक है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अब उसने कहा एक हेमिस्फीयर में, ठीक है, मेरे पास वेसल और इस पे मैंने एक खाली सिलेंडर लगा दिया, माउंटेड मतलब ऊपर है ऐसे, क्लियर। अब उन्होंने क्या कहा, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, मेरे पास जो भी कुछ है ना वो फिगर में लिख दिया करो ताकि हमें क्लियर कट पता चले। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मेरे पास टोटल हाइट, वेसल की हाइट तो ये पूरी है ना, दैट इज 13 सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब मुझे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैलकुलेट करना है, मतलब क्या करना है, मैंने अंदर से पेंट करना है उसको। अब जब मैंने पेंट करना है, इमेजिन कीजिए कहाँ कहाँ करना है, एक ये सिलेंडर के सारी तरफ यहां पर करना है, और दूसरा मुझे ये अंदर, मान लीजिए एक बाउल है, बाउल के ऊपर गिलास रखा है ना, गिलास नीचे से खाली है, दैट मीन्स अगर मुझे पेंट करना है, मुझे सरफेस एरिया को पेंट करना है या कुछ भी करना है ना, मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो अब 100% मेरे पास जो है इनर सरफेस एरिया जो है वो कैसा आएगा, दैट इज मेरे पास जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, ये ऊपर वाले सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का बेस तो मर्ज कर गया, ये तो खत्म, खाली है ना अंदर से, इसका तो कोई लेना देना नहीं ना हमें, ठीक है ना, तो और क्या रह गया, प्लस मेरे पास जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके बेटा, क्लियर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh, और हेमिस्फीयर का मेरे पास तो है कर्व निकालना ना, तो 2πR, दोनों में आर क्यों सेम है, क्योंकि उसके ऊपर माउंटेड था तो सेम रेडियस है। अब मुझे क्या क्या चाहिए, आपने बस वो निकालना, आई नीड आर, आई नीड एच, बस यही चाहिए। अब देखते हैं, मेरे पास डायामीटर दिया हुआ है, आप लिखोगे आर इज डी बाय टू, तो 14 बाय 2, तो दैट इज 7 सेंटीमीटर, आर मुझे पता चल गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए हाइट ऑफ द सिलेंडर, देख बेटा आर यहां तक है 7 सेंटीमीटर मेरे पास, ओके, अब पूरा गए 13 में से 7 चले गए, तो मेरे पास हाइट आ जाएगी सिलेंडर की, तो आप यहाँ स्मॉल एच लिखो, यू जस्ट राइट एच इज 13 माइनस 7, दैट इज 6 सेंटीमीटर, यू कैन राइट हियर, सब कुछ फिगर के नीचे कैलकुलेट कर, ओके। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर, 2 आपकी मर्जी है, आप पाई कॉमन लेके उसकी कोई वैल्यू ना पुट करो, ये डिपेंड करता है, अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है तब उसको लो, अगर नहीं दी तो बेटा आप चाहे आंसर पाई में भी छोड़ सकते हो या वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हो, तो लेट अस पुट 22/7 एंड आर आई हैव कैलकुलेट 7, एच इज 6 प्लस मेरे पास 2, 22/7 आर इज 7, ये तो इजीली कट ही हो जाना है, ये 44 इंटू 6 जो है 264 प्लस 44 अगेन, तो बेटा इनको ऐड कर दो, 8 10 30 जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बात क्लियर है बेटा सबको, एनी डाउट टू एनी वन, एनी डाउट टू एनी वन बेटा, ओके बेटा, सक्षम ग्रोवर इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फर्स्टली ऑन द वीडियो बेटा, only then I will ask, Saksham Grover, yes beta, हाँ जी बेटा, yes beta, मैम आपने height में से radius minus क्यों किया,
क्योंकि बेटा मेरे पास ये टोटल जो हाइट दी थी ना, ये पूरे पूरे कंबाइंड ऑब्जेक्ट की दी थी। अब मुझे तो हाइट सिर्फ सिलेंडर की चाहिए, तो सिलेंडर की हाइट लेने के लिए मुझे ये चीज माइनस करनी है। तो ये क्या है? रेडियस ही तो है हमेशा फील का। ओके वत्सल, सॉरी सक्षम, क्लियर? ठीक है, चलिए। तान्या, यस बेटा, पहले वीडियो ऑन करो प्लीज, मुझे हर बार कहना पड़ता है, मैं अदरवाइज सुनूंगी नहीं ऐसे। हाँ जी, यस तान्या, यस बेटा, मैम, मेरा आंसर 572 आ रहा है। 572। क्यों, चेक कर लो, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी? आप चेक कर लीजिए कौन सी गलती की है आपने, चेक कर लीजिए। लेट अस सी, 2 × 2 आर की वैल्यू, ये थी एच की वैल्यू, यहाँ 6 ही पुट करनी थी, 2π 22 7 r 44, और ये 44 × 6। लेट अस चेक। हाँ जी विवान, सॉरी सक्षम, यस बेटा, मैम पीछे भी वो ही आ रहा है जो तान्या का है। लेट मी चेक बेटा, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है? लेट अस सी, फाइंड द, मेरे पास जो है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेलो हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय अ हॉलो, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 ही था, और टोटल हाइट ऑफ द वेसल ही मुझे दी हुई है, तो बेटा 13 ही दी हुई है, और मुझे बोला गया फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। इनर सरफेस में कर्व आएगा 2π r h प्लस मेरे पास, ओहो देखो बेटा स्केयर तो लगाया ही नहीं हमने, आर स्केयर तो लगाया ही नहीं, जो सी गया है ना, 2π r² बोला था मैंने, बट वी फॉरगेट टू पुट r² तो 1 7 आएगा ना यहाँ पर, तो 44 × 7 है ना मेरे पास जो है, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो है सरफेस एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया 2π r² होता है, बोला मैंने r² था, देखो ऐसी गलती होती है, ध्यान से कीजिए, 2π r² तो 1 से 1 कट गया, मेरे पास जो है 44 × 7, मेरे पास जो है 28 2 और ये 308, चेक कर लीजिए अब 2 7 5 72। मिस्टेक हो गई थी, चेक इट, कई बार हो जाता है ऐसा। ठीक है जी, ताने आप ठीक है बेटा? चलो ओके, करेक्ट कर लेना बेटा सारे बच्चे, मैंने बोला 2π r² ही था, माइट भी लिखते हुए कई बार इधर ध्यान हो जाता है ना, तो आर स्केयर स्केयर भूल ही गए हम, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, दैट इज टू, क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 3, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस जो है, एक टॉय जो है वो कोन की फॉर्म में है, और इसका रेडियस मुझे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ओके, एंड हेमिस्फीयर ऑफ सेम जो है रेडियस, वो कोन जो है माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर विद द सेम रेडियस। नाउ बेटा द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, टोटल हाइट जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है, दैट इज गिवन टू मी। नाउ व्हाट दे राइट टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, पहले तो बताओ टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या लेंगे, जल्दी जल्दी ट्राई टू पार्टिसिपेट, अगर मैंने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय तो मैं क्या इसमें लूंगी, है ना तानिया? यस बेटा, हाँ जी बिल्कुल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि कोन का बेस और हेमिस्फीयर का बेस तो आपस में मर्ज करके अंदर से खाली है, हमें उसका कोई वहां थोड़ा कुछ करना है,
ठीक है ना, तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो है हेमिस्फीयर। अब ध्यान से फॉर्मूलेस पुट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होते हैं, ठीक है, हेमिस्फीयर का 2πr², ठीक है। अब मुझे क्या क्या निकालना है, आई नीड आर, आर मुझे दी हुई है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी 3.5 होगा ना सक्षम। अब ध्यान से फिर देखिए, अब मुझे एल चाहिए, एल निकालने के लिए आई नीड एच, स्मॉल एच, तो वो कैसे निकालेंगे, पूरी हाइट में से 3.5 निकाल दें, ऑब्वियस है कोन की हाइट आ जाएगी मेरे पास 3.5 माइनस कर दें तो 12 सेंटीमीटर। ओके, अब पता चला ना इसी क्वेश्चन में भी माइनस क्यों किया। नाउ वी कैन कैलकुलेट एल, एल इज जो है मेरे पास अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके, दैट इज 12 स्क्वायर, 144 प्लस आर स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 12.25। ओके बेटा, तो ये मेरे पास जो है, मैंने कैसे कैलकुलेट किया पता आपको, पॉइंट भूल गई, 35 का स्क्वायर, तो 3 का नेक्स्ट क्या होता है 4, 4 3 12, 12 ऐसे ही, 5 का स्क्वायर 25 और डेसिमल लगा। ओके, अब इनको ऐड करें, मेरे पास जो है ऐड किया तो 156.25। ओके बेटा, और मेरे पास जो है अगर हम देखें तो 1 पॉइंट जो है ये, इफ आई सी कि मेरे पास जो है ये इसकी कैलकुलेशंस करके कितनी बन रही है, दैट इज 12.25। ओके, सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, निकालना आता है आपको। अब बेटा वैल्यूज पुट करें, सॉरी मेरे पास जो लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज, सब निकल गई ना, एल निकल गया, आर निकल गया, यही तो चाहिए, तो 22/7, आर मेरे पास 3.5, एल इज 12.25 प्लस 22/7 एंड आर इज 3.6। ये एक 7 तो ये इसके साथ कटी जाना है, ये 0.5, ठीक है, ऐसे ही 3.5 आएगा, 0.5 आएगा और सॉल्व कीजिए। हाँ जी तान्या, तान्या वीडियो ऑन कर लिया करो बेटा साथ ही प्लीज, आई विल नॉट टेक एनी रिस्क। तान्या इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग ऑन द वीडियो बेटा। हाँ जी बेटा, यस तान्या, मैम 12.5 आएगा अंडर रूट निकाल के, 5 ही आएगा, ओहो मैंने गलती से लिख दिया, 12.5 ही आएगा, बिल्कुल बेटा 12.5 ही आएगा, मैंने वो 2 दोबारा लिख दिया, 12.5 ही आएगा, मैंने इसी को दोबारा लिख दिया गलती से, 12.5 ही आएगा, पीछे 25 है, 5 ही रहना, 156 कम्स जो है 12 × 13, तो वो कम वाला लेती है, 12 लिया तो 12.5 ही आना। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन देख लो, सॉल्व इट, चेक इट कि आपका कितना आंसर आएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करो सारी। ये सॉल्व करोगे तो 77 आएगा बेटा। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है, सारा सॉल्व करके आंसर चेक कीजिए जल्दी, 275 मेरा जो है डिवाइडेड बाय 2, मैंने डेसिमल हटा के कटिंग की, एलसीएम ले लीजिए 2, तो मेरे पास जो है 275 प्लस 154 और मैंने ऐड किया बेटा तो 429 डिवाइडेड बाय 2 और 214.5 जो है सेंटीमीटर के, चेक कर लीजिए सबका इतना आ रहा है। यस दक्ष, यस दक्ष बेटा, मैम जो ये अंडर रूट वाली कैलकुलेशन है तो इसका कोई सौखा तरीका नहीं है, स्क्वायर रूट बेटा कोई मुश्किल नहीं है, मैंने भी फैक्टर बना के फटाफट देखा,
है ना। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है स्क्वायर रूट सॉल्व करना, ये बार बार प्रैक्टिस जब आप करते हो आपको याद ही हो जाता है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, वैसे आप स्क्वायर रूट ऐसे पेयरिंग से कर सकते हो ना, वन को वन से किया, वन आया, टू किया, तो सारा कर लो जैसे स्क्वायर रूट सिंपल निकाल। तो भूल चुकी है। ठीक है ना, क्लियर, सबको बात समझ आ गई बेटा। नाउ नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इक्विवाइडल जो है ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब इसको इमेजिन करना कि एक आइसक्रीम का ब्रिक है, उसके ऊपर ना आइसक्रीम के स्कूप डाला गया। ठीक है, स्कूप किया आइसक्रीम और उसका पूरा ऐसे सेमी सर्कल टाइप, सेमी सर्कल ही हेमिस्फीयर टाइप हमने डाल दिया गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, मेरे पास जो है कैन हैव एंड फाइंड देयर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब मैंने सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, दैट वी विल डिस्कस ऑन मंडे, क्योंकि इसको हम आगे सारे क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड हैं तो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।